watching Star 9 News. आज दहिसर पूर्व में स्वाध्यायकर पांडुरंग शास्त्री आठवले मैदान का नूतनीकरण करके क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, मल्लखाम ऐसे हर तरह के खेल और पार्क, ओपन जिम की उपलब्ध सुविधा, साथ ही मेरात में सभी खेलों के इंतजाम के लिए मैदान में लाइट्स आदि का उद्घाटन शिवसेना नेता युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे इनके हाथों से हुआ। उनका स्वागत ढोल पतक, फूलों से और फटाकों के साथ किया गया। ये उद्घाटन समारंभ का आयोजन आमदार प्रकाश सुर्वे दादा और नगर सेविका सुजाता पाटेकर इन्होंने किया था। इस उद्घाटन समारंभ में शिवसेना नेते और युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे इन्होंने पर्यावरण स्वच्छता की बात करते हुए कपड़ों की थैली इस्तेमाल करने का संदेश दिया और वहां उपस्थित सभी को कपड़ों की थैलियां बांट दी गई। इन्हीं के साथ भारतीय विद्यार्थी सेना का भी इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा सहयोग था, जिनमें भारतीय विद्यार्थी सेना के शाखा संगठक प्रशांत पवार और विभाग अधिकारी प्रतीक्षा सावंत, शाखा अधिकारी आयुग शेख, शाखा अधिकारी दिलीप परब, युवा शाखा अधिकारी नयन चव्हाण, युवा उपविभाग अधिकारी राजेश भानसे, ये सभी उद्घाटन के कार्यक्रम में मौजूद थे। इस उद्घाटन कार्यक्रम की प्रमुख उपस्थिति में आमदार प्रकाशदादा सुर्वे और नगर सेविका सुजाता पाटेकर, विभाग प्रमुख विलास भाई पोतनीस, नगर सेवक संजय घाडी, विधानसभा संगठक अशोक मामनकर, युवा विभाग अधिकारी शिवराज शिर्के, सभागृह नेता मुंबई महानगरपालिका विशाखा राउत, प्रभाग समिति अध्यक्ष रिद्धि कुरसंगे, विभाग संगठिका रश्मि भोसले, उपविभाग प्रमुख सुनील दहाले, नगर सेवक बालकृष्ण ब्रिद, वार्ड नंबर 3 के शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी दादा, इनके साथ कई युवा शाखा अधिकारी, नगर सेवक, नगर सेविका, शाखा प्रमुख, उपशाखा प्रमुख, शाखा अधिकारी, उपशाखा अधिकारी, कई शिवसेना के और युवा सेना के सैनिक कार्यकर्ता सभी वहां उपस्थित थे। शिवसेना नेता और युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे इनको देखने के लिए भारी तादाद में लोगों की भीड़ जमी हुई।